हरे कृष्णा एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंग्लिश वन बुक का 8th लेसन तेनाली एंड द थीव्स ये पढ़ाया था और वो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था उस क्लास में. ठीक है, आज हम इसके वर्ड मीनिंग और कुछ बैक एक्सरसाइज देखेंगे. ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं. विट, विट मीन्स ह्यूमर, विट मीन्स बुद्धिमत्ता. ठीक है, अलर्ट मीन्स होता है अटेंटिव, मतलब कि जो अटेंशन पे करता है, ध्यान देता है चीजों की तरफ, अलर्ट रहता है. ठीक है, लेसन मीन्स मॉरल, शिक्षा. लेसन मीन्स कोई भी पार्ट पढ़ाना, शिक्षा पार्ट देना. विस्पर्ड मीन्स स्पोकन सॉफ्टली, फुसफुसाना, जैसे हम किसी के कान में कभी भी फुसफुसाते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड विस्पर्ड, स्पोकन सॉफ्टली. हाइडिंग मीन्स क्या होता है, द स्टेट ऑफ बींग हिडन, छुपाने की जो प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं हाइडिंग. ठीक है, हार्ड, हैड लिसन, सुना, पास्ट टेंस है ये. ठीक है, हार्ड मीन्स सुना. रिच मीन्स वेल्दी, अमीर, रिच मीन्स अमीर. ड्रॉइंग मीन्स क्या होता है, टू ड्रॉ आउट वाटर, टू पुल आउट. ड्रॉ आउट वाटर मीन्स पानी को बाहर निकालना, और टू पुल आउट मीन्स खींचना पानी को. ठीक है, उसको ड्रॉइंग. पोरिंग, पोरिंग ऑफ वाटर टू स्ट्रीम. पोरिंग मीन्स होता है पानी को डालना, पोरिंग ऑफ वाटर, और टू स्ट्रीम लाइक ऐसे बाहर पानी डालते हैं तो पानी ऐसे बहता है, दैट इज कॉल्ड पोरिंग. Begged means implore. Begged means प्रार्थना करना. Forgiveness, the act of excusing. Forgiveness मतलब होता है कि वो क्षमा मांगने की act. हमारी तरफ से जो act किया जाता है that is called forgiveness. क्षमा मांगना. Promise means assured. Promise means वादा करना. ठीक है, चलिए अब MCQ देखेंगे. A. Take the correct option. You have to take the correct option. We will throw it into the dash to hide it. ये वाली बात तेनाली रमन ने उसकी वाइफ को बोली थी, याद है आप लोगों को. We will throw it into the dash to hide it. इसको छुपाने के लिए हम कहाँ फेंक देंगे, किसको छुपाने के लिए. उन्होंने बॉक्स में एक स्टोन भरे थे और उसको उसके लिए बोला था कि उसको छुपाने के लिए हम उस बॉक्स को कहाँ फेंक देंगे, रोड पर, वेल मीन्स कुएं में या गार्डन में. कहाँ बोला था उन्होंने, वेल में फेंक देंगे, कुएं में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. सेकेंड वाला है, तेनाली हैड फिल्ड द बॉक्स विद. तेनाली ने बॉक्स को किस चीज से फिल किया था, क्लोथ्स, ज्वेलरी और स्टोन्स. किससे फिल किया था, याद करिए, स्टोन्स से. पत्थर भरे थे ना उसमें अपने, उन्होंने अपने बॉक्स में क्या भरे थे, पत्थर भरे थे, स्टोन्स भरे थे. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी. ओके, थर्ड वन इज, दे डैश नॉट टू स्टील और रॉब एनी वन एवर अगेन. उन्होंने क्या किया, नॉट टू स्टील और रॉब, कि नहीं चोरी नहीं करने का और किसी को भी लूटने का कभी भी. किसने क्या किया था, उन्होंने दे प्रॉमिस्ड और फॉरगिवनेस और बैग, दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था कि दैट दे विल नेवर स्टील और रॉब एनीवन एवर अगेन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए. ट्रू एंड फॉल्स, टेक राइट फॉर राइट एंड फॉल्स फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके, तेनाली सॉ सम थीव्स हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस नियर हिज हाउस. तेनाली ने कुछ चोरों को देखा था जो उसके घर के पीछे की झाड़ियों में छुपे हुए थे. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ही थॉट ऑफ टीचिंग देम अ लेसन. उसने, तेनाली रमन ने सोचा था कि वो उनको एक लेसन पढ़ाएगा. राइट है कि रॉन्ग है, ये राइट है ना, राइट है ना ये वाला. थर्ड सेंटेंसेस, वी विल पुट इट इन टू द गार्डन टू हाइड इट. उन्होंने ये, तेनाली रमन ने अपनी वाइफ को ये बात बोली थी कि हम इसको गार्डन में छुपाने के लिए इसको गार्डन में रख देंगे. सही है कि गलत है ये, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि हम इसको कहाँ छुपाएंगे, वेल में छुपाएंगे, है ना. फोर्थ वन इज द थीव्स फेल एट तेनाली फीट एंड बेग्ड फॉर मनी. थीव्स जो थे वो तेनाली के फीट में गिर गए और उन्होंने पैसे के लिए उससे मांगा. पैसे मांगे थे क्या तेनाली रमन से उन्होंने, नहीं उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, दे ओनली आस्क फॉर फॉरगिवनेस, है ना, उन्होंने सिर्फ क्षमा मांगी थी तेनाली रमन से. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यू हैव टू फिल द करेक्ट वर्ड हियर इन द ब्लैंक्स. ओके, द फर्स्ट द वर्ड्स आर रिच मीन्स अमीर, ड्रॉइंग मीन्स बाहर निकालना, बिकॉज हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा है, टू पुल आउट है ना, किसी भी चीज को ऐसे बाहर खींचना. विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, एंड हार्ड मीन्स सुना. ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज, ही कॉल्ड हिज वाइफ एंड डैश अ प्लान इज इन हिज इन हर ईयर. क्या किया था उन्होंने, ही कॉल्ड हिज वाइफ एंड विस्पर्ड अ प्लान इन हर ईयर, कि उसके कान में फुसफुसाया था ना एक प्लान. सो फर्स्ट आंसर इज विस्पर्ड. ओके, सेकेंड वन इज, द थीव्स डैश ऑल दिस. थीव्स ने क्या किया, थीव्स हार्ड ऑल दिस, उन्होंने ये सब सुन लिया था.
अभी देखिए इसमें यहाँ पर फिल करिए आप रिच, द थीव्स रिच ऑल दिस, द थीव्स ड्रॉइंग ऑल दिस, द थीव्स हार्ड ऑल दिस, है ना। उन्होंने सुन लिया था। आप कभी भी फिल इन द ब्लैंक फिल करते हैं तो ये देखते हैं ना कि उसमें कौन से वर्ड का मीनिंग प्रॉपर आएगा, है ना। इसी तरह से ब्लैंक को हम फिल करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें हमने वर्ड रखकर देखा, यहाँ पर सभी वर्ड रखकर देखे, रिच ड्रॉइंग और हार्ड, तो हमको इसमें हार्ड वर्ड ठीक लगा यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज हार्ड ऑल दिस। थर्ड वन इज दे वर सून गोइंग टू बी डैश, वो बहुत जल्दी क्या होने वाले थे, रिच और ड्रॉइंग। अब ये दो तो फेल हो गए तो अभी हम इन दोनों को नहीं देखेंगे। अब टू वर्ड्स कौन से बचे, रिच और ड्रॉइंग। तो दे वर सून गोइंग टू बी रिच, करेक्ट आंसर इज रिच। फोर्थ वन इज दे स्पेंड द होल नाइट इन डैश आउट वाटर, दे स्पेंड द होल नाइट इन ड्रॉइंग आउट वाटर। उन्होंने अपनी सारी रात किस चीज में स्पेंड करी थी, खर्चा करी थी, ड्रॉइंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में करना होगा, ये सब आप लोगों को मालूम है। ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको बुक में करनी है, ठीक है। अब हम इसकी क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द थीव्स प्लानिंग, थीव्स क्या प्लान कर रहे थे, क्या प्लान किया था उन्होंने। द थीव्स वर प्लानिंग टू रॉब देनालीज हाउस एट नाइट, वो क्या प्लान कर रहे थे, दे वर प्लानिंग टू रॉब, चोरी करने के लिए, लूटने के लिए तेनाली का हाउस, तेनालीज, तेनाली apostrophe s, जब हम ऐसे लिखेंगे ना तब उसका मीनिंग होगा तेनाली का, ठीक है। आप सिर्फ तेनाली मत लिखिएगा यहाँ पर, हमको लिखना है कि तेनाली का घर रॉब करने की वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तेनाली apostrophe s, तेनालीज हाउस एट नाइट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड तेनाली सेड लाउडली टू हिज वाइफ, तेनाली ने अपनी वाइफ को लाउडली मीन्स जोर से क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने, देखते हैं आंसर। ही सेड टू क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज टू गेट एस्केप फ्रॉम द थेफ्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है ना, कि उन्होंने अपनी वाइफ से लाउडली क्या कहा था, तो इसका आंसर है ही सेड लाउडली टू हिज वाइफ, डियर बी केयरफुल एंड लॉक ऑल द डोर्स एंड विंडोज एज लॉट ऑफ रॉबरीज आर टेकिंग प्लेस इन द सिटी दीज डेज, डियर सावधान हो जाओ और लॉक कर लो सारे डोर्स एंड विंडोज को, लॉक कर लो एज लॉट ऑफ रॉबरीज, रॉबरीज मीन्स बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, आर टेकिंग प्लेस इन द सिटी, सिटी बहुत सारी चोरियां हो रही इन दिनों, दीज डेज मीन्स इन दिनों। आई हैव पुट ऑल द ज्वेल्स इन द बॉक्स, मैंने अब सारी ज्वेल्स जो है एक बॉक्स में रख दिए हैं, सो हेल्प मी कैरी इट टू द वेल, तो इसलिए मेरी हेल्प करो इसको कुएं तक ले जाने के लिए, बिहाइंड आवर हाउस, जो हमारे घर के पीछे है, वी विल थ्रो इट इन टू द वेल टू हाइड, हम इसको वेल में कुएं में थ्रो कर देंगे इसको छुपाने के लिए, ये उसने अपनी वाइफ को लाउडली कहा था, है ना। तो ये इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज वॉट थिंग्स तेनाली हैज फिल्ड इन द बॉक्स, इसका आंसर क्या है, तेनाली हैड फिल्ड सम स्टोन्स इन द बॉक्स, तेनाली ने बॉक्स में क्या फिल करा था, ही हैड फिल्ड सम स्टोन्स इन द बॉक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड दे ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द वेल, उन्होंने कुएं में से पानी कैसे बाहर निकाला था, कैसे निकाला था, बकेट्स की हेल्प से निकाला था, है ना। सो इसका आंसर क्या है, दे ड्रू आउट वाटर फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ बकेट्स, उन्होंने बकेट्स की हेल्प, बकेट्स मीन्स बाल्टियों की हेल्प से उन्होंने पानी वेल में से बाहर निकाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको स्टूडेंट्स आपकी फेयर कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। फॉर्मेट आप सेम आप लोगों को सबको मालूम है, और एक बार मैं आज फिर से बताती हूँ कि सबसे पहले फॉर्मेट ये होता है कि आप लेसन नंबर डालेंगे, उसके बाद लेसन नेम डालेंगे, कॉपी के कॉर्नर में लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर होता है वहां पर आप डेट लिखेंगे टॉप सबसे ऊपर में, ठीक है। सबसे ऊपर में आपने डेट लिखी, उसके बाद लेसन नंबर डालते हैं, उसके बाद लेसन का नेम डालते हैं, और उसके बाद हम वर्ड मीनिंग हेडिंग डालते हैं, और उसके बाद वर्ड मीनिंग लिखते हैं, और उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाते हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर्स हेडिंग डाल के फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स नोट करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स ये आपको आपकी फेयर कॉपी में नोट करके मेरे को टाइम से वर्क सबमिट करना है, ओके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।